सब्सक्राइब कीजिए ओम नर्सिंग एकेडमी चैनल को, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। आज का अपना टॉपिक है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर ये वाइटल साइन का फोर्थ पार्ट है। पहले मैं इससे पहले तीन वीडियो बना चुका हूँ, बॉडी टेम्परेचर पे, पल्स पे, रेस्पिरेशन, और ये फोर्थ है ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो शुरू करते हैं ब्लड प्रेशर के बारे में। सबसे पहले देखिए इसका इंट्रोडक्शन। ब्लड प्रेशर का इंट्रोडक्शन की बात करता हूँ तो इसमें ब्लड प्रेशर होता क्या है। ब्लड प्रेशर जब कोई भी ब्लड वेसल्स है, आर्टरी है, उसके अंदर कोई भी ब्लड फ्लो कर रहा है, तो उस ब्लड का जो भी प्रेशर जो आर्टरी है उसकी वॉल्स पे पड़ता है वही क्या है, ब्लड प्रेशर। ठीक है, यानी किसी भी ब्लड वेसल्स या आर्टरी में जो ब्लड फ्लो कर रहा है तो उसका ब्लड का प्रेशर जो भी आर्टरी है उसकी वॉल्स पे लग रहा है वही क्या है, ब्लड प्रेशर। ठीक है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120/80 mmHg, ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। अब बात करते हैं ब्लड प्रेशर के टाइप की। ब्लड प्रेशर को दो भागों में डिवाइड किया गया है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। पहले हम बात करते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में देखिए, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में क्या होता है कि हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रेशर ड्यूरिंग द वेंट्रिकल सिस्टोल व्हेन द लेफ्ट वेंट्रिकल फोर्सिंग द ब्लड इनटू द एओर्टा। यानी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बनता कब है, जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तब जो ब्लड एओर्टा के अंदर फोर्स के साथ जाता है वही क्या है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120 mmHg। अब बात करते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ये है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है क्या, लोवेस्ट प्रेशर। सिस्टोलिक हाईएस्ट था और डायस्टोलिक लोवेस्ट। डायस्टोलिक प्रेशर ये लोअर प्रेशर है जब हार्ट रेस्टिंग पीरियड में होता है तथा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल से पहले का जो टाइम होता है वही क्या है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, ये रेस्टिंग पीरियड का ब्लड प्रेशर है। नॉर्मल डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है, 80 mmHg। अब बात करते हैं पल्स प्रेशर की। पल्स प्रेशर क्या होता है, अगर सिस्टोलिक में से हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर निकालेंगे तो वो क्या बचेगा, पल्स प्रेशर। ठीक है, इसमें देखिए पल्स प्रेशर बराबर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, 120 में से 80 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 40। तो नॉर्मल पल्स प्रेशर कितना होता है, 40 mmHg। ये आप इस सारणी में देख सकते हो। नेक्स्ट है मेन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। मेन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर कितना होता है, 93.3 mmHg। ठीक है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, दिल्ली एम्स में क्वेश्चन आया था, मेन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर कितना होता है। नॉर्मल मेन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर 93.3 mmHg होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला है मेन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर निकालने का, आप दोनों स्क्रीन पे देख सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन या पोस्चुरल हाइपोटेंशन। जब भी कोई पर्सन लेइंग पोजीशन से स्टैंडिंग पोजीशन में जाता है तब अचानक से उसका ब्लड प्रेशर है वो गिरता है, वही क्या है, ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन। अब ब्लड प्रेशर गिरता कितना है, गिरावट कितनी आती है ब्लड प्रेशर में, यानी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो 20 mmHg और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 10 mmHg, अगर उसमें गिरावट आए तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे, ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन। नेक्स्ट आप देख सकते हो स्फिग्नोमैनोमीटर और बीपी इंस्ट्रूमेंट। पहला है मर्करी स्फिग्नोमैनोमीटर और नेक्स्ट है डिजिटल बीपी इंस्ट्रूमेंट या डिजिटल स्फिग्नोमैनोमीटर। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइट ऑफ टेकिंग ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर लेने की साइट है, दो साइट है, अपर एक्सट्रीमिटी से आप डायग्राम में देखिए जो ब्रेकियल आर्टरी है वहाँ से हम ब्लड प्रेशर मेजर करेंगे, तो इसके लिए जो कफ है उसको एंटी क्यूबाइटल फोसा से 2 इंच अबो हम क्या करेंगे, बांधेंगे। ठीक है, फर्स्ट डायग्राम देखिए आप, ये ब्रेकियल आर्टरी से ब्लड प्रेशर लेने का है और सेकंड है लोअर एक्सट्रीमिटी से ब्लड प्रेशर लेने के लिए जो कफ है उसको नीचे अबो या पोपलीटल फोसा से अबो क्या करेंगे, रेप करेंगे, बांधेंगे। डायग्राम में आप देख सकते हो साइट।
नेक्स्ट है स्फिग्नोमैनोमीटर या बीपी कफ की साइज़, यानी जो बीपी कफ है वो अलग अलग एज के हिसाब से अलग अलग उनकी क्या होती है साइज़। जैसे न्यूबॉर्न के लिए कफ की साइज़ है 3 सेंटीमीटर तो उसकी चौड़ाई और 6 सेंटीमीटर लंबाई। इसी हिसाब से इन्फेंट की 5 सेंटीमीटर चौड़ा और 15 सेंटीमीटर लंबा, एडल्ट के लिए 13 सेंटीमीटर चौड़ा और 30 सेंटीमीटर लंबा, एडल्ट हाई के लिए 30 सेंटीमीटर ये जो कफ है वो होगा चौड़ा और 42 सेंटीमीटर कफ क्या होगा लंबा। ठीक है, ये स्फिग्नोमीटर मैनोमीटर के जो कफ है उसके लिए है। नेक्स्ट है ये एक कॉन्ट्राइंडिकेशन है, यानी कोई भी पेशेंट है तो उसकी कौन सी आर्म से हमें ब्लड प्रेशर नहीं लेना चाहिए। जिस आर्म में आईवी इन्फ्यूज़न हो रहा है उस आर्म से कभी भी ब्लड प्रेशर नहीं लेना चाहिए। इंजर्ड आर्म या डिजीज वाली जो भी आर्म है उससे भी ब्लड प्रेशर नहीं लेना चाहिए। और साइट ऑफ रेडिकल मास्टेक्टमी, यानी जिस साइड से रेडिकल मास्टेक्टमी हुई है वहाँ से ब्लड प्रेशर ना ले। यह था ब्लड प्रेशर के बारे में। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कमेंट कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे ही आपके लिए और भी वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू।